मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की झाबुआ जिला इकाई ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने, शासकीय कर्मचारियों की भांति सुविधाएं प्रदान करने, आंगनवाड़ी कर्मियों को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार वेतन देने सहित अन्य मांग शामिल है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संदीप मेहता, जिला मंत्री राजेंद्र गोयल, कमला डिंडोर, गंगा गोयल मौजूद थी। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। संगठन ने आज ज्ञापन दिया है, क्या प्रमुख मांगे थी? केंद्र सरकार के आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ ने आज जिला मुख्यालय पर, सभी प्रदेश के पूरे जिला मुख्यालय पर बैठक रखी गई। वहां पे धरना प्रदर्शन किया गया। मजदूरों की मांग को ध्यान में नहीं रखते हुए सरकार हमको अनदेखा कर रही है। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बराबर मानदेय नहीं दे रही है, शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रही है। इस प्रकार से और भी मजदूर हैं, उनको मजदूर के हिसाब से उनकी मजदूरी तय नहीं की गई है जिले में। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्यमंत्री के नाम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ के जो आम स्थानीय लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, उनकी मांगे पूरी की जाए और उनको जितनी हमारी मांगे उसको पूरी की जाए। क्या नाम है? संदीप मेहता। हम लोग आज भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे एकत्रित हुए हैं और ज्ञापन के लिए, मजदूरों के हित के लिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। जो मानदेय सरकार समय पे दिया नहीं जा रहा है और सरकारी कर्मचारी किया जाए हम लोगों को, और सरकार से मांगे रखी है कि हमें समय पे मानदेय दे और सरकारी कर्मचारी करे। और जो समस्याएं छोटी बड़ी बहुत सारी हमारी आ रही है, वो भी अधिक आ रही है ज़िले में, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें काम किया करवाया जा रहा है। जैसे अभी मोबाइल का निकाल दिया, हमको मोबाइल पे जानकारियां डालना पड़ रही है, मोबाइल से सबको काम करना है, तो बहुत सारी महिलाओं को ये काम जैसे आता भी नहीं, मोबाइल वाला भी, तो वो भी समस्या आ रही है, तो वो भी हमने मांग रखी है। और सरकारी कर्मचारी, खास करके हमारी सरकारी कर्मचारी हमें किया जाए और टाइम पे मानदेय मिले, और बस यही समस्याओं को लेके हमने आंदोलन के लिए आए थे, मजदूरों के लिए भी और आंगनवाड़ियों के लिए भी। सब हम मजदूरों की श्रेणी में ही आ रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो सभी के लिए हमने आंदोलन के लिए ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब। मांगे नहीं पूरी होने पर क्या करोगे आगे के लिए? मांगे अगर पूरी नहीं हो तो हम और आंदोलन छेड़ेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसे करते रहेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे हम, और सरकार को आवाज़ उठाएंगे, सरकार को दिखाएंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए। नहीं करेंगे जब तक हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती गंगा गोयल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक संघ प्रदेश सदस्य। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।